जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की सतर्कता शाखा ने शहर के परकोटा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े अभियान को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व सतर्कता शाखा के उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने किया, जिसमें सड़क और बरामदों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के साथ साथ भारी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया। सतर्कता शाखा की यह कार्रवाई परकोटा के प्रमुख बाजारों जैसे छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार, वानिकी पथ, शहदेव मार्ग और गोपालबाड़ी मेट्रो रेलवे स्टेशन तक फैली रही। इस अभियान के तहत 30 से अधिक स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के दौरान एक ट्रक भरकर सामान भी जब्त किया गया जो इन स्थानों पर अवैध रूप से रखा गया था। अतिक्रमण हटाने के साथ ही संबंधित व्यापारियों और लोगों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। इस अभियान में कुल 12,000 का चालान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि हेरिटेज नगर निगम अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त है और शहर के ऐतिहासिक क्षेत्रों की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्रवाई हेरिटेज नगर निगम के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाकर नागरिकों के लिए सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस प्रकार के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि जयपुर का ऐतिहासिक परकोटा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बना रहे।